गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ एक्सरसाइज शेयर कर ली। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द एक्सरसाइजेस ऑफ अप टू 5 विथ यू। मैंने हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क चैप्टर 1, उसके बाद एक पोएम ए हाउस होम वो हम पहले कर लिए थे, फिर चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर की एक्सरसाइज मैंने शेयर की, फिर द काइट पोएम हम पहले ही कर चुके थे, चैप्टर 3 टैरोस रिवॉर्ड के क्वेश्चन आंसर्स आई मीन एक्सरसाइजेस मैंने शेयर कर ली, द क्वारल का भी मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन शेयर कर लिया यानी उसकी भी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, चैप्टर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला की एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं, ए फ्यू एक्सरसाइज छोड़ करके एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हम कर चुके हैं, ब्यूटी हम पहले ही कर चुके हैं या इसका भी क्वेश्चन आंसर्स आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू, चैप्टर 5 ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल के भी एक्सरसाइज लगभग पूरे हम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अप टिल नाउ मीन्स विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर यू कैन से I have completed almost 50% of your syllabus. Obviously, I have left out most of the grammatical or language related exercises because they should be done in class after discussion. Speaking portion I have left, a few exercise overall I have left which I thought should be done in the class. Otherwise, I have shared everything, at least the things, the exercises, the question answers, or the things which you need to write in your notebooks are shared by me with you from chapter 1 to chapter 5, including all the poem in between. बीच के सारे poem, एक दो तीन चार poem आई है इसके बीच में, a house, a home, the quarrel, ठीक है, the kite, beauty, और पांच exercise of chapters. ये सारे हम कर चुके हैं। आज हम लोग आपके टेक्स्ट बुक की फिफ्थ पोयम पढ़ने वाले हैं, विच इज वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोयम स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इस पोयम को एक बार पढ़ेंगे और फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा। इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। फॉर अ लिटिल चाइल्ड टीचर इज स्पेशल, इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। बच्चे के लिए टीचर स्पेशल होते हैं, ठीक है। बच्चे के लिए ये सोचना भी मुश्किल होता है कि टीचर एक साधारण आदमी भी हो सकता है, लेकिन हाँ, टीचर एक साधारण आदमी ही होता है। सवाल ये है कि टीचर्स कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, यही एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चंस हैं। रिटन बाय पीटर डिक्सॉन। पहले एक बार पोएम पढ़ लेते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? Do they wear pajamas and do they watch TV? And do they pick their noses the same as you and me? Do they live with other people? Have they moms and dads? And were they ever children and were they ever bad? Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? I will follow one back home today. I will find out what they do. Then I will put it in a poem that they can read to you. तो देखो स्टूडेंट्स, पोएम में क्या जो है कहा गया है, बच्चे के दिमाग में अक्सर ये प्रश्न आता है कि टीचर्स कहाँ जाते हैं 4 बजे के बाद, स्कूल ओवर के बाद टीचर्स कहाँ जाते हैं, क्या वो घरों में रहते हैं और क्या वो अपने मोजे खुद धोते हैं, क्या वो हमारे और आपकी तरह पैजामा पहनते हैं, क्या वो भी टीवी देखते हैं, क्या उनके नाक में अगर गंदगी आ जाए तो क्या वो अपने नाक को अपनी उंगलियों से साफ करते हैं,
जैसे कि हम और आप करते हैं, क्या वो भी दूसरे लोगों की तरह ही जीते हैं? क्या उनके भी माता पिता होते हैं? क्या वो भी जब छोटे थे तो क्या हमारी ही तरह बदमाश थे? क्या वो हमेशा ही सही होते हैं या वो गलतियां भी करते हैं? क्या उनको भी कोई किनारे में ले जाकर के कभी पनिशमेंट देता है? क्या वो चॉकलेट के जो फ्लेक्स होते हैं उनको कभी उंगलियों से पिंच करते हैं हमारी तरह, मतलब शरारत करते हैं? क्या वो कभी अपनी घरों में रखी हुई पवित्र किताबें खो देते हैं? क्या वो अक्सर हरियाली के बीच से भाग जाते हैं? क्या वो भी हमारी ही तरह डेस्क के ऊपर खरोच खरोच करके कुछ लिखने की कोशिश करते हैं? क्या वो गंदी जीन्स पहनते हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं, ये तो कुछ मैंने कहे, और भी कई सारे दिमाग में हैं। इन सभी का पता लगाने के लिए मैं एक दिन टीचर का पीछा करूंगा और पता करूंगा कि वो करते क्या हैं, और फिर मैं इन सभी प्रश्नों के आंसर जानने के बाद उन आंसर्स को एक पोएम के रूप में लिखूंगा जो वो टीचर आपको पढ़ के सुनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, एक मेरी तरफ से आपके लिए एक होमवर्क है। आई एम गिविंग यू ए होमवर्क टू यू, दो दिस होमवर्क हैज नॉट बीन गिवन इन द एक्सरसाइजेस, लेकिन मेरी तरफ से आपको एक होमवर्क है। यू नीड टू राइट द पोएम ऑफ ऑल दोस आंसर्स। ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी के पहले तो आप सिंपल आंसर्स लिखो अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से, सिंगल सेंटेंसेस में इन सब के आंसर्स लिखो। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो नाक साफ करते हैं? तो आपका आंसर होगा यस दे डू पिक नोसेस। क्या वो पैजामा पहनते हैं? तो आप बोलोगे यस दे डू वियर पैजामास। इन सब के आंसर्स आपको लिखने, और फिर कोशिश करो कि इनको आप राइमिंग वर्ड के रूप में क्रिएट करके पोएम लिखो। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चे शायद राइमिंग वर्ड क्रिएट करके पोएम ना भी लिख पाए, तब इट्स ओके। पोएम अगर नहीं होता है तो भी इट्स ओके, एटलीस्ट आपको इन सभी क्वेश्चंस के अपने दिमाग से आंसर्स लिखने हैं। सो दिस इज योर होमवर्क, यू नीड टू राइट द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। दिस इज ए स्पेशल होमवर्क गिवन बाय मी एंड इट शुड बी डन अलोंग विद द एक्सरसाइज। ठीक है, पहले सबसे पहले आप इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर लिखोगे, पोयम के एक एक क्वेश्चन को आप उतारोगे और अगली लाइन में अपने आंसर्स लिखोगे। एक एक क्वेश्चन को उतारोगे, अगली लाइन में आंसर लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो सबसे टॉप में, डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जींस, तो ये क्वेश्चन लिखोगे आप। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जींस, तो अगर आपको लगता है कि टीचर्स गंदी जींस पहनते होंगे तो येस लिखोगे। अगर लगता है कि नहीं, वो तो साफ सुथरे कपड़े पहनते होंगे, तो आप लिखोगे नो दे डोंट वियर ओल्ड डर्टी जींस। येस और नो में पूरा आंसर लिखोगे, पूरा सेंटेंस लिखोगे। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स लिखना आपका होमवर्क है, और अब मैं आपके साथ इस पोयम की एक्सरसाइज को शेयर कर रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा छोटा भले ही लग रहा है, इसको आप थोड़ा सा जूम कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आप इसको थोड़ा जूम भी कर सकते हो, और जूम करके आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आंसर्स जो है। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, व्हाई डज द पोएट वॉन्ट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock? तो आंसर आप लिखना, द पोएट डज नॉट कंसिडर टीचर्स एज ऑर्डिनरी पर्सन्स, ही फील्स दैट दे आर स्पेशल ह्यूमन बींग्स, हेंस ही वॉन्ट्स टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock एंड वाट दे डू आफ्टर द स्कूल आवर्स। एंड वाट दे डू आफ्टर द स्कूल आवर्स आप नहीं भी लिख सकते हो, एट 4 o'clock लिख करके आप स्टॉप भी कर सकते हो इस आंसर को।
The second question is, what are the things normal people do that the poet talks about? तो इसका आंसर लिखना है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, नॉर्मल पीपल लिव इन हाउसेस, फ्रेशन अप आफ्टर रिटर्निंग होम, वियर पजामास, वॉश देयर क्लोथ्स, वॉच टीवी, लिव विद देयर पेरेंट्स, मेक मिस्टेक्स, लूज बुक्स, गेट पनिश्ड, स्क्रिबल ऑन देयर डेस्क, वियर ओल्ड डर्टी जीन्स एंड लिनन एक्सेट्रा. थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है वो है, वाट डज ही इमेजिन अबाउट. तो इसका ए बी सी डी करके चार क्वेश्चन है. तो वाट डज ही इमेजिन अबाउट का, ही इमेजिन्स डेट हिज टीचर्स लिव इन हाउसेस अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज. ये एक आंसर है क्योंकि क्वेश्चन है वेयर टीचर लिव. तो थर्ड का एक आंसर आप लिखोगे ये वाला. और थर्ड का बी है, वाट दे डू एट होम. तो आप लिख सकते हो आंसर, दे वॉश देयर सॉक्स, वियर पजामास एट होम, पिक ऑन देयर नोसेस एंड इवन वॉच टीवी. सी है, द पीपल विथ होम दे लिव, लिखना दे लिव विथ देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स. डी है, देयर एक्टिविटीज व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल. तो लिखना, ड्यूरिंग चाइल्डहुड इवन दे वर बैड, make mistakes, spelled a word incorrectly and were punished for eating chocolates in class, they lost their hymn books. वैसे स्टूडेंट्स हाइम का मतलब पोएम भी होते हैं. Scribbled on desktops or even wore dirty jeans etc. तो इस तरह से ये चारों आंसर आपके हुए. फिर है रोमन फोर का क्वेश्चन, why does the poet wonder if teachers also do things that other people do. तो आप इसका आंसर लिखोगे, the poet wonders, हालांकि जो स्क्रीन में देख रहे हो वो वन लिखा हुआ है, आपको वन नहीं लिखना है, आपको रोमन नंबर फोर का आंसर लिखना है. the poet wonders if teachers also do things that other people do because he thinks that they are not ordinary, comma, but a special human beings. he assumes that these teachers are always strict, never made any mistakes and are ideal in all respects. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो इसके बाद जो क्वेश्चन है नंबर फाइव है, हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट, व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट. इसका आंसर आप लिख सकते हो, ये जो यहाँ टू लिखा हुआ वो एक्चुअली रोमन फाइव है. The poet decided to get the first-hand information of his teachers by following them on the way back home so that he can find out what they do after reaching home. Once he knows what they do, he plans to compose a poem which the teachers would then read out to their students. फिर question 2 में दो question है, what do you think these phrases from the poem mean? Punished in the corner or leave their greens. इनका क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के मीनिंग आपसे पूछे गए हैं. तो इसका पहले का आंसर आप लिख सकते हो, punished in the corner का लिख सकते हो. This phrase means getting caught for a misdeed in class, या mischief भी लिख सकते हो, mischief, misdeed or mischief in class and made to stand in the corner of the क्लासरूम एज ए पनिशमेंट. लीव देयर ग्रीन्स का लिख सकते हो, दिस फ्रेज मीन्स टू लीव द ग्रीन प्ले ग्राउंड व्हेन द बेल स्ट्राइक्स लाउडली फॉर द नेक्स्ट क्लास टू बिगिन. यानी यू नो गेम पीरियड वगैरह में जो बच्चे खेलने जाते हैं ग्रीन प्ले ग्राउंड में, वहाँ से निकल करके बाहर आना और दूसरे काम में दूसरी क्लास को अटेंड करना, ये इसका मतलब है या हो सकता है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने जो है पोएम पढ़ी, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो. इस पोएम को पढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने आज इस पोएम की एक्सरसाइज भी पढ़ी. तो आई होप यू हैव एंजॉयड द पोएम एंड द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस. आज
कि वीडियो में मैं सिर्फ ये पोएम ही पढ़ाऊंगा और आगे की नए चैप्टर में शुरू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नया चैप्टर एक नए वीडियो में शुरू करना बेटर रहेगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर किसी स्टूडेंट को जो मैं पिक्चर शेयर किया हूँ एक्सरसाइजेस की, अगर किसी स्टूडेंट को ये एक्सरसाइज ठीक से ना समझ में आए तो वो मुझे पूछ सकता है फ़ोन करके, डायरेक्टली मेरा नंबर जो है उस पर वो फ़ोन करके पूछ सकता है मुझे, और मैं उसको समझा दूंगा कि किसका क्या आंसर है अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो। बाकी आई होप कि आपको समझ में आ जाए। ये जो मैंने शेयर की एक्सरसाइज, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, आप इसको थोड़ा जूम कर लोगे अगर वीडियो को स्टॉप करके इस लेवल में आकर के, जैसे ही एक्सरसाइज शुरू होती है वहाँ पर आकर के आप अगर वीडियो को स्टॉप करके अगर थोड़ा जूम कर लोगे तो आई होप कि आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में थोड़ा सा हम लोग उसको रोक करके जूम भी कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर हम लोग विद द हेल्प ऑफ आवर थम एंड यू नो इंडेक्स फिंगर अगर थोड़ा सा अगर हम लोग उसको ऐसे स्क्रीन को स्ट्रेच करेंगे तो वो जूम हो जाएगा। जूम करना तो आता ही आप लोग को, और जूम करने से होपफुली आपको एक्सरसाइज जिसकी थोड़ी जिन बच्चों की आंखें थोड़ी सी वीक है उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ तो आप समझ जाओगे। हाँ, थोड़ी सी आंखों की प्रॉब्लम अगर किसी को है बच्चे को तो वो थोड़ा सा जूम कर ले, होपफुली उसको एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी सारी। इन केस आपको कुछ दिक्कत हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल मी। हाँ, आप मुझे कॉल करो और मैं आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करूँगा। अगर कुछ लाइंस नहीं समझ में आ रही है, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है? फील फ्री टू कॉल मी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आज मैंने सिर्फ एक पोयम आपको पढ़ाई और एक पोयम से रिलेटेड मैंने एक्सरसाइज शेयर की। तो आपको करना यही है, पोयम की वर्ड मीनिंग्स लिखने की ज़रूरत नहीं है नोटबुक में, आपको पहले जो मैं अपनी तरफ से जो होमवर्क दिया हूँ वो करना है। इस पोयम में आपको कुछ एक्सरसाइजेस है, आपको काफ़ी सारा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। सबसे पहला आपका मेरे द्वारा दिया गया जो होमवर्क है वो करना है आपको। सारे पोयम के क्वेश्चन को आपको बारी बारी से लिखना है और फिर अपने अपने आंसर लिखने हैं उन सभी क्वेश्चंस के। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज हम लोगों ने देखी है आज के वीडियो में, जो आपकी बुक में दी हुई है, उन एक्सरसाइजेस को भी नोटबुक में लिखना है। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव एन्जॉयड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे होम, स्टे सेफ, एंड होपफुली द स्कूल इज गोइंग टू ओपन सून। हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्कूल जल्द खुले। होपफुली आप लोग की जो स्कूल है वो विद इन 1.5 मंथ या 2 मंथ खुलने की संभावना बन रही है, 1.5-2 महीने के अंदर। जैसे अभी आज हो गई 10 सितंबर, तो 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, आई होप कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में थोड़ी सी संभावना है आपके लेवल की स्कूल खुलने की, या लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में तो पूजा वगैरह आ जाएगी, छुट्टियां पड़ेगी थोड़ी बहुत। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में एक संभावना बन रही है आपके स्कूल खुलने की, देखते हैं क्या होता है। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।